अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह का सिर्फ एक नाम है जिसको सफ़ेद रंग के कपड़े पर लिखकर आपने अपने पर्स में डाल देना है। इंशाअल्लाह जब तक वो इसमें मौजूद रहेगा आपकी जेब में बरकत रहेगी। और इसके साथ एक वजीफा जो हर आदमी की जरूरत है, ये वजीफा मुजर्रब भी है और अल्लाह के यहाँ पसंदीदा भी इसलिए है कि इस वजीफे के अंदर अल्लाह पाक से मांगना पड़ता है और अल्लाह पाक मांगने वालों से इतना खुश होता है, अल्लाह उसके मांगते ही इसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। यह सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा इजाज़ है। यह इजाज़ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया था कि मुझसे भूल हुई, 300 साल तक नदामत से आंसू बहाता रहा, रोता रहा, लेकिन एक आखिरी नबी आएंगे जो सारे नबियों के सरदार होंगे। नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा है, उनके उम्मती की ये शान होगी कि वो जो गलती करेंगे और माफी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक इनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अल्लाह पाक से कुछ मांगता है तो अल्लाह पाक जरूर देता है। और ये बात जान लें कि जब कोई बंदा किसी बंदे से मांगता है तो वो बहुत दफा सोचता है, मालूम नहीं मांगने वालों से मांगूंगा तो वो मेरी पूरी करेगा भी कि नहीं करेगा। और अल्लाह पाक का वो दर है जो हर वक्त खुला रहता है, जब भी मांगो वो अता करता है। अल्लाह अपने बंदों से कहता है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे देने वाली अल्लाह की जात है और मैं तकसीम करता हूँ। आज मैं जो आपको वजीफा बताने जा रही हूँ इसकी बहुत अजमत है, शान है। आपने इसको एक मरतबा तहज्जुद के वक्त सिर्फ 313 मरतबा अव्वल और आखिर 3-3 दफा दुरूद इब्राहिमी के साथ यार रज़ाकू पढ़ना है और इसी दिन फिर घर में सफेद कपड़ा ले लेना है या सफेद कागज ले लेना है और फिर अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर इस कागज पर 11 खाने बनाने हैं और हर खाने पर आपने एक मरतबा या रज़ाकू लिखना है। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस कागज को पर्स में महफूज कर लें। फिर देखिएगा अल्लाह की शान, अल्लाह आपके पर्स में कैसे बरकत डालता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।